ये जो पांच एप्लीकेशन है मैं वो डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ। पता है क्या, ये जो पांच एप्लीकेशन है वो आपका टाइम बचाएंगे, आपको प्रोडक्टिव बनाएंगे, और अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं अपने पीसी या लैपटॉप पे तो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। एक और चीज़, डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारे ऐप्स के लिंक मिल जाएंगे और उनके अल्टरनेटिव्स के भी लिंक आपको दे दूंगा, आप चाहे तो उन्हें भी ट्राई कर सकते हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द ऐप लिस्ट। स्टैक ब्राउज़र, हाँ ये एक ब्राउज़र है, लेकिन ये ब्राउज़र के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा काम का एप्लीकेशन है। मान लो आपके पास दो ईमेल एड्रेसेस है और आपको दोनों साथ में यूज़ करना है, या दो से ज़्यादा चीज़ें आप साथ में कर सकते हो इसमें, तो ये बड़ा ही यूज़फुल एप्लीकेशन है। सो इसका यूआई कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे ये जो स्पेस बार है वो वर्टिकली है, आप चाहे तो उसको हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो। नीचे मैं वर्टिकली पे रखता हूँ, तो आप यहाँ पे कितने भी टैब्स ओपन कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। आप उन्हें ग्रुप में भी ओपन कर सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे दूसरे स्पेस भी बना सकते हो, सिर्फ सोशल मीडिया के लिए अलग और काम के लिए अलग। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो माउस से ही। अगर आप अब स्क्रॉल करेंगे तो ये पेजेस पे स्क्रॉल हो गए। पे कोई एप्लीकेशन है जो कि आपको मिल रहा नहीं है, तो ये याद रखो कि एक ब्राउज़र है, उसका यूआरएल आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, या फिर सिंपली आप वो सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद उसके होम पेज पे चले जाते हैं। होम पेज पे जाने के बाद आप कंट्रोल एस दबा सकते हो, या फिर यहाँ पे ऑप्शंस में सेव कार्ड, और इसका क्या नाम सेव करना है आप वो सेव कर सकते हो, और वो यहाँ पे सेव हो चुका है। अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इनके खुद के भी ट्यूटोरियल्स है कि ये ब्राउज़र को कैसे ठीक से यूज़ किया जाए। फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो स्पेस के बारे में देख सकते हो, स्विच, हिस्ट्री, ड्रैग एंड ड्रॉप, सब एक्सटेंशन, ये सब भी यहाँ से आप ट्यूटोरियल देख के सीख सकते हो इसमें कैसे यूज़ किया जा सकता है। और अगर आप चाहे तो आप माउस, बिना माउस यूज़ किए आप सब चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे शॉर्टकट से यहाँ पे सब लिखा गया है। मैं तो इतना ही बोलूँगा, आप ये एप्लीकेशन खुद ट्राई करो और इसके मल्टीटास्किंग का मज़ा लो। फ्री है ये एप्लीकेशन, और इसका अल्टरनेटिव है फ्रेज, जो कि पेड एप्लीकेशन है, उसलिए वो ये लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। सबने फाइल कन्वर्टर यूज़ किया रहेगा, और काफ़ी सारे लोग तो ऑनलाइन जाके फाइल कन्वर्ट करते, बट ये एप्लीकेशन जो मैं बताने वाला हूँ इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन टू कन्वर्ट एनी इमेजेस, फाइल्स एज वेल एज वीडियोस टू अनदर फॉर्मेट। सिंपली आपको जो फाइल कन्वर्ट करना है उस पर राइट क्लिक करके फाइल कन्वर्टर ऑप्शन मिल जाएगा आपको। फाइल कन्वर्टर ऑप्शन में जो फाइल आपको कन्वर्ट करना है बस उसको सिलेक्ट करके वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर बाद में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको जिस फाइल में कन्वर्ट करना है और उसका ऑप्शन नहीं है वहाँ पे, तो आप सेटिंग ऑप्शन में जाके सिलेक्ट कर सकते हो और एडिट कर सकते हो आपको जो फाइल किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। टोटल कंट्रोल आपके हाथ में होगा और बस एक क्लिक की देरी है। आप मल्टी फाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो एट वंस, और उसके साथ वीडियोज़ एंड फाइल्स भी कन्वर्ट कर सकते हो आपके हिसाब से कोई भी फॉर्मेट में। इसका एक अल्टरनेटिव है कन्वर्टर बॉट, बट उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, उसलिए मैंने वो इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया। अगर आप चाहे तो वो भी ट्राई कर सकते हो। नाम से ही पता चल गया रहेगा, ये एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करने के काम आता है। अब आप सोच रहे रहेंगे ये ऐप का क्या ज़रूरत, हम विंडोज़ के सेटिंग में जाकर भी ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बट जब आप कोई ऐप अनइंस्टॉल करते हो, अनइंस्टॉल करने के बाद भी सी ड्राइव में उसके कुछ फाइल्स रह जाते हैं और वो फालतू में स्टोरेज लेते हैं। अब मैं बता दूँ आयोबिट्स अनइंस्टॉल के कुछ एडवांटेजेस जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। सबसे पहला, आप कोई भी एप्लीकेशन हो या फाइल हो उन्हें डिलीट या अनइंस्टॉल कर सकते हो, और जो उनके सी ड्राइव में सेव हुए फाइल्स है वो भी डिलीट होते। बस इतना ही नहीं, आप फोर्स डिलीट भी कर सकते हो, या कोई एप्लीकेशन है जो कि अनइंस्टॉल हो ही नहीं रहा है तो इसके मदद से आप वो भी कर सकते हो। विंडोज़ का सर्च ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो है,
अगर मैं विंडोज सर्च बार में यूट्यूब सर्च करता हूँ और यूएलई ऐप में यूट्यूब सर्च करता हूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है स्पीड का। यूएलई ऐप एक्टिवेट करने के लिए आपको कीबोर्ड पे ऑल्ट प्लस स्पेस दबाना पड़ेगा, जिससे यूएलई ऐप एक्टिवेट हो जाएगा और कुछ भी आप सर्च कर सकते हो और ओपन कर सकते हो। ये एप्लीकेशन की सेटिंग ऑप्शन में जाके आपको टोटल कंट्रोल मिल जाता है। आप उसका कलर, उसका डायमेंशन, कौन से फाइल सर्च ऑप्शन में आने चाहिए वो भी आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हो। डिट्टो ऐप का यूजेज काफ़ी सिंपल है। ये वीडियो के लिए बस इतना ही। एक और बार बता दूँ, ये सारे एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके उन्हें ट्राई करो। सो दैट्स इट, माय नेम इज विशाल, यू आर वॉचिंग स्मार्ट टेक एंड पीस आउट।